नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आपका फिर से स्वागत है। आइए आज बात करते हैं IBS के बारे में, यानी इरिटेबल बाउल सिंड्रोम के बारे में। इसका सिम्टम्स क्या है, इसका होम्योपैथिक और बायोकेमिक ट्रीटमेंट क्या है, और क्या करने से आप IBS से बचे रहें। यूँ तो यह एक बहुत ही क्रॉनिक डिजीज़ है और इसका एलोपैथिक ट्रीटमेंट क्यूरेबल नहीं है। इसका एकमात्र ट्रीटमेंट है होम्योपैथिक। अगर कोई कंटिन्यू इसका ट्रीटमेंट करे 6 महीना से 1 साल तक, तो IBS कम्प्लीटली क्योर हो सकती है। लेकिन वो डिपेंड करता है पेशेंट्स के ऊपर कि कितने दिन से वो है और वो क्या क्या प्रिकॉशंस ले रहे हैं। सबसे पहले मैं IBS का आपको सिम्टम बता दूं कि IBS में क्या क्या सिम्टम रहते हैं। मेनली IBS एक एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट है, यानी हम लोगों का जो आंत रहते हैं, बाउल जो है, इसका मूवमेंट ठीक ठाक नहीं रहता है। इसके कारण पेट में बहुत सारे डिस्कम्फर्ट होते हैं, जैसे कि पेट में कभी कभी दर्द होना, कभी कभी अचानक से बहुत ज़्यादा दर्द होना, कभी कभी कम दर्द होना। इसके साथ ही कॉन्स्टिपेशन के लक्षण काफ़ी हद तक दिखे जाते हैं। और एक चीज़ रहता है डायरिया एंड डिसेंट्री, ये अल्टरनेट करके कभी डायरिया, कभी डिसेंट्री, कभी कॉन्स्टिपेशन, ये तीनों सिम्टम लगभग एक ही साथ ही रहते हैं। कभी एक दिन आपका डायरिया रहा तो अगले 2 दिन में आपका कॉन्स्टिपेशन रहा, फिर नेक्स्ट 3rd डे में आपका डिसेंट्री रहा, और साथ में कॉलिक यानी पेन तो रहेगा ही। तो IBS को ठीक करने के लिए हम लोगों को सबसे पहले खान पान में ध्यान देना पड़ेगा। सबसे पहले मैं सलाह दूंगा आपको कि IBS जिसको हो गया है वो टोटल ही उबला हुआ पानी पिए, यानी बॉयल वाटर। टोटल ही बाहर का पानी, आप जो भी फिल्टर आपके पास है, जितना भी कॉस्टली फिल्टर है, आप उबाल के ही पिए। सेकेंड थिंग, आप बाहर का खाना टोटली बंद करें। बाहर का कोई भी खाना आप ना खाएं, सिर्फ घर का बना हुआ खाना खाएं, और वो भी सिंचा हुआ यानी बॉयल्ड खाना। सब्जी आप ज़्यादा से ज़्यादा लें, हो सके तो अंडा, मीट और मछली का सेवन कम से कम दवा लेते वक्त ना करें। बाद में वो धीरे धीरे खा सकते हैं जब उनका IBS कम्प्लीटली क्योर हो जाए। लेकिन दवा लेते वक्त, IBS का ट्रीटमेंट जब आपका चल रहा है होम्योपैथिक, तो ये चीज़ों का सेवन ना करें। इससे आपका रिजल्ट बहुत ही जल्दी मिलेगा, बहुत ही आपको क्विक एक्शन मिल जाएगा। इससे आपको, आप बहुत ही तंदुरुस्त रहेंगे, क्योंकि ऐसा एक बीमारी है IBS। इससे आपका एक एंजाइटी, एक डिप्रेशन में आप चले जाते हैं कि आप कहीं बाहर जाने, कोई काम में जाने वाले हैं, अचानक से आपका पेट में मरोड़ देने लगे, दर्द करने लगे, टेंशन खुद ब खुद हो जाता है कि बाहर जाके मैं क्या करूँगा, अभी अब मुझे ट्रैवल करना है, या ऑफिस जाना है, या कॉलेज जाना है, या स्कूल जाना है। तो इससे आप कैसे बचें? सबसे पहले तो आप, जो मैंने बताया कि ये खाना आपको अवॉइड करना है, जहाँ तक हो सके बॉइल्ड खाना खाएं। आप चावल ले सकते हैं, दिन में 2 टाइम चावल ले सकते हैं, कभी कभी आप रोटी ले सकते हैं, लेकिन रेगुलर रोटी ना खाएं। रोटी को, जिसको IBS है वो डाइजेशन ठीक से नहीं हो पाता है, तो कोशिश करें कि चावल ज़्यादा लें। इसके अलावा आप बहुत सारी और भी मील ले सकते हैं, ओट्स ले सकते हैं, कभी कभी आप दलिया ले सकते हैं रात को, बहुत ही अच्छा खाना है दलिया, अच्छा फूड है। तो उबाल के आप, अगर आप चूरा ले सकते हैं, लेकिन फ्राई मत कीजिएगा, चावल भी फ्राई मत कीजिए, जो नॉर्मल चावल है, प्लेन राइस उसको ले, और दाल सब्जी वगैरह आप ले सकते हैं। पानी का सेवन ज़्यादा से ज़्यादा करें, मैंने पहले ही बोला बॉइल्ड वाटर बहुत ही ज़रूरी है IBS के ट्रीटमेंट में, और कंटिन्यू IBS के ट्रीटमेंट में कंप्लीट होने के बाद भी आप बॉइल्ड वाटर ही ठंडा करके पिए, इससे कोई दिक्कत नहीं होगा। पहले पहले आपको बॉइल्ड वाटर खाने में थोड़ा दिक्कत होगा, आपको गर्म नहीं पीना है, आप ठंडा कर लीजिए, 1 लीटर पानी आप बॉयल करके रखें, उसके बाद ख़त्म हो फिर नया से बॉयल करके फिर ठंडा करके पिए। गर्म ही नहीं पीना है, आप ठंडा पीजिए, आराम से पीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अगर बाहर जाते हैं तो बाहर का खाना आप ना खाएं, घर का बना खाना आप टिफिन में ले जाएं। इससे आपका IBS का ट्रीटमेंट बहुत जल्दी होगा, फास्ट होगा। और आइए देखते हैं इसका होम्योपैथिक और बायोकेमिक क्या ट्रीटमेंट है, इसके बारे में इस वीडियो में आपको जानकारी दूंगा। और एक बात कि फल, फ्रूट्स, आप IBS पेशेंट्स के लिए आप फ्रूट ले सकते हैं जिसमें ज़्यादा आयरन है, वो फ्रूट ज़्यादा लें, जैसे सेब हुआ, उसके बाद आपका अमरूद हुआ, ये सब आप ले सकते हैं। लेकिन जैसे मैंगो हुआ, आम,
आम का इस्तेमाल ना करें, इससे आपका कॉन्स्टिपेशन तो दूर हो जाएगा लेकिन डायरिया या डिसेंट्री बढ़ सकता है, इसीलिए मैंगो मत खाएं और पाइनएप्पल ना खाएं, ये दोनों चीज अवॉइड रखें। बाद में आप ले सकते हैं लेकिन ट्रीटमेंट करते वक्त ये दोनों फल ना खाएं। इसके अलावा आप कोकोनट वाटर यानी कोकोनट का जो पानी है, डाब का पानी, इसका सेवन कर सकते हैं, बहुत ही फायदा देगी आपको। और हो सके तो बेल का शरबत जरूर पिए, आईबीएस के लिए ये महौषधि है, बहुत ही पेटेंट दवाई कह सकते हैं आप बेल को। अगर हर सेकेंड डे पे आप बेल का शरबत पिए तो ये एक दवाई जैसे ही काम करेगी आपको, ये मेरा मानना है, आप इसको ट्राई जरूर करें। और आइए देखते हैं होम्योपैथी में इसका क्या क्या अच्छा अच्छा ट्रीटमेंट है। सबसे पहले मैं जो अपने आईबीएस पेशेंट्स को मैं देता हूँ, ये एक डॉक्टर रेक्विज जर्मनी की दवाई है, BC9 मेरे हाथ में डॉक्टर रेक्विज की है। आप कोई भी अच्छी कंपनी के ले सकते हैं, इंडियन कंपनी भी अच्छी रिजल्ट करती है, ऐसा नहीं कि सिर्फ जर्मनी मेडिसिन ही अच्छा रिजल्ट देती है। आप अगर जर्मनी मिले तो बेहतर है, नहीं मिले तो SBL, बैक्सन, स्वैब इंडिया, आप किसी का भी कंपनी का ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये गोली चार चार गोली दिन में 4 टाइम गुनगुने पानी के साथ लेना है, आफ्टर मील खाने के बाद, सुबह दोपहर शाम रात दिन में 4 टाइम लेना है खाने के बाद आफ्टर मील, उसके बाद थोड़ा गुनगुना पानी ले दिन में 4 टाइम। इसके साथ एक ड्रॉप आती है REPL की, इसका नाम है एसिडिटी ड्रॉप। नाम से तो ये एसिडिटी आपको लग रही है सिर्फ एसिडिटी, लेकिन इसका जो कंपोजिशन है बहुत अच्छा कंपोजिशन है, ये IBS में भी बहुत अच्छा रिजल्ट करती है, हाइपर एसिडिटी, इनडाइजेशन, IBS, डिस्पेप्सिया, एपिगैस्ट्रिक पेन, ये आपको इंडिकेशन में मिल जाएगी, ये आप देख सकते हैं। तो ये जो दवाई है ये IBS में कारगर है, क्योंकि IBS पेशेंट को एसिडिटी बहुत होती है, उनको सीने में जलन रहती है, डिस्कम्फर्ट रहता है, पेट फूल जाता है, उनको कॉलिक रहता है, पेन में पेन रहता है, कॉलिक यानी पेन पेट में, कहीं भी जगह पे पेट में पेन रह सकता है, इसके बाद कॉन्स्टिपेशन तो रहता ही है, इसलिए एसिडिटी बहुत बनती है। ये ड्रॉप उनके लिए बहुत ही कारगर है। ये दवाई 10 बूंद दिन में 3 टाइम लेना है खाने से पहले, बिफोर मील, सुबह दोपहर शाम, थोड़ा पानी के साथ मिला के, गुनगुना पानी हो तो ज़्यादा बेहतर है, या बॉइल्ड वाटर आप ठंडा करके भी ले सकते हैं, दिन में 3 टाइम 10 बूंद, फिर से देख लीजिए एसिडिटी ड्रॉप। ये REPL की दवाई है, ये दो दवाई, एक बायोकेमिक और एक पेटेंट दवाई मैंने बताया। इसके अलावा 2 डाइल्यूशंस मैं आपको बताऊंगा, ये IBS ट्रीटमेंट में यूँ तो बहुत सारे डाइल्यूशंस IBS में काम करती हैं, लेकिन खासकर ये दोनों के सिम्टम बहुत हद तक IBS के साथ मैच करते हैं, इसलिए ये दो मेडिसिंस आप जरूर लें। इसके साथ अगर जरूरी हो तो दूसरा आप डाइल्यूशंस ले सकते हैं। सबसे पहले पोडोफाइलम, देखिए आपके पास आ रही है पोडोफाइलम पेल्टेनम है, ये 30 पोटेंसी का ले पोडोफाइलम, ये डॉक्टर रेक्वेज की है मेरे हाथ में, जर्मनी की दवाई है। इसको आप 5 बूंद दिन में 3 टाइम ले थोड़ा पानी के साथ, बिफोर मील, सुबह दोपहर शाम, बिफोर मील दिन में 3 टाइम खाने से पहले, इसका सेवन कंटिन्यू 3 महीना तक करना है, उसके बाद इसका पावर चेंज होगा, लेकिन 3 महीना 30 ही लेना है, इससे जल्दी बहुत फास्ट आपको रिजल्ट मिलेगा। इसके साथ नाम दोबारा देख लीजिए, पोडोफाइलम 30। और इसके साथ और एक दवाई है, ये होम्योपैथी में बहुत ही कॉमन दवाई है, नक्स भूमिका 30 आपके स्क्रीन पे आ रही है, ये भी डॉक्टर रेक्वेज की है मेरे हाथ में, नक्स भूमिका 30 मेड इन जर्मन दवाई है। आप ये इसको 5 बूंद दिन में 3 टाइम आफ्टर मील लें, पोडोफाइलम बिफोर मील, इसको आफ्टर मील, सुबह दोपहर शाम दिन में 3 टाइम, ये 4 दवाई आपको लेना है कंटिन्यू, सुबह दोपहर शाम, और बायोकेमिक दिन में 4 टाइम, सुबह दोपहर शाम और रात को, तो ये 4 दवाई आपको कंटिन्यू लेना है 3 महीना। और इसके बाद आपको और कुछ दिन दवाई खाना है, लेकिन उसका पोटेंसी यानी जो मैंने 30 दवाई आपको बताई उसका पोटेंसी चेंज होगा, उसको आप नज़दीकी किसी होम्योपैथिक फिजिशियन से आप पूछ लें, या मेरे कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कीजिए, मैं आपको पोटेंसी बता दूंगा कितना लेना है। और साथ ही साथ एक मदर टिंचर आपको लेना है, अगर किसी को एसिडिटी बहुत ज़्यादा रहता है, ये खाने के बाद भी एसिडिटी कम नहीं हो रहा है, तो हाइड्रेस्टिस कैन एक दवाई आती है, अभी मैं आपको दिखा नहीं पा रहा हूँ, मेरे पास अभी है नहीं, हाइड्रेस्टिस कैन मदर टिंचर, कोई भी होम्योपैथिक फार्मेसी में आप जाके बोलिए हाइड्रेस्टिस कैन मदर टिंचर, ये आप डॉक्टर रिक्वेज की 1 cc ले लें, 22 ml की आती है उसको, 20 ml की 1 cc आप ले लें, 10 बूंद दिन में 3 टाइम बिफोर मील, सुबह दोपहर शाम ले,
इससे आपका आईबीएस का ट्रीटमेंट बहुत ही फास्ट होगा, क्योंकि इंडाइजेशन एसिडिटी बहुत हद तक कम हो जाएगी, आपको भूख भी लगेगा। आईबीएस में एक सिम्टम आता है, भूख एकदम बंद हो जाती है, कभी कभी खाने का इच्छा नहीं रहता, हर वक्त नौसिया रहता है, वोमिटिंग टेंडेंसी रहता है। तो ये सारी दवाइयाँ आप लें आईबीएस के ट्रीटमेंट में, और जो मैंने प्रिकॉशंस बताए उसको आप फॉलो करें, और हो सके तो ये जो वीडियो आपको दिखाया इस मुताबिक आप चलें तो आपका आईबीएस का ट्रीटमेंट 100% कंप्लीट होगा। और जहाँ तक हो सके ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अभी तक अगर मेरे चैनल को अपने सब्सक्राइब नहीं किया डॉक्टर बापा भूमि तो सब्सक्राइब कर ले सबसे पहले, और बेल आइकन भी दबा दें, इससे आपको मेरे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। और जो सबसे ज़रूरी बात, आपका सेहत का ख्याल जरूर रखें, आपका और आपका प्रियजन का ये जो बॉडी है बहुत कीमती है, इसका सेहत का इसका ख्याल बहुत हद तक रखें, स्वस्थ रहें, खुश रहें। और ये जो वीडियो है इसके बारे में सबको बताएं। आज तक के लिए इतना ही, धन्यवाद, नमस्कार।